हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 30 फीट बाई 60 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लॉट है, इसको हमने तीन ब्रदर के लिए सेपरेट सेपरेट वन रूम सेट डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कि कॉमन लॉबी रहेगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, समझते हैं इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, एज पर साइट हमारा जो प्लॉट है वो इस प्रकार से, सामने वाली भुजा हमारी 29 फीट 5 इंच है, ये वाली 15 फीट का ये हमारा रोड है। यहाँ से हमने एंट्री दी हुई है, 10 फीट वाइड की हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, ये कार पार्किंग का स्पेस रहेगा पूरा। ये जो कार पार्किंग का स्पेस है, ये हमारा 10 फीट बाई 22 फीट 9.5 इंच रहेगा। यहीं से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेगा। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ये सेपरेट स्टेयरकेस रहेगा। यहाँ हमने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है 6.5 फीट का, हमारा ये फ्रंट पर ओपन स्पेस रहेगा। यहाँ आप पौधे वगैरह लगा सकते हैं। इस वाले बेडरूम में जाने के लिए ये एंट्री दी हुई है, यहाँ से आप इस वाले बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। दूसरी एंट्री आप यहाँ से सीधा घर के अंदर होगी। तो चलिए पहले इस वाले रूम में एंट्री करते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, जिसका साइज है 17 फीट 1 इंच बाई 13 फीट 7.5 इंच। ये इस रूम के लिए विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इस रूम से अटैच ये हमने टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है, जिसका साइज है 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 5 इंच। इसके वेंटिलेशन के लिए विंडो, इस साइड हमने टॉयलेट सीट लगाया हुआ है, बीच में हमने शावर और इस साइड हमारा वॉश बेसन रहेगा। ये हमने बेड डाला हुआ है और इस साइड हमने वार्डरोब डिजाइन किया हुआ है। सामने वाली वॉल पर हमने टीवी यूनिट डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा डोरमैट रहेगा। इस रूम से एक एंट्री आप घर के अंदर कर सकते हैं, जो कि इस रूम के किचन के लिए रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो इस वाले रूम की ये जो किचन है, आप यहाँ आ जाएंगे। तो आप इस किचन को इस वाले डोर से होते हुए इस्तेमाल करेंगे। ये लॉबी स्पेस रहेगा और ये इस रूम के लिए किचन। किचन का साइज रहेगा 6 फिट बाई 11 फिट 6 इंच। इस साइड हमने गैस स्टोव रखा हुआ है और इस साइड हमारा सिंक रहेगा। ये हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। यहाँ हमारा ओपन रहेगा, यहाँ हमारा जाल पड़ जाएगा छत में। और ये पूरा लॉबी का स्पेस रहेगा 15 फीट 1 इंच बाई 17 फीट 6 इंच का। यहाँ हमने सोफ़ा डाला हुआ है, टू सीटर एल शेप में। कोई भी गेस्ट आएगा, तीनों का जो भी कॉमन गेस्ट होगा वो यहाँ बैठ सकता है। तो ये हमारा लॉबी रहेगा। एक किचन हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है और एक किचन हमने ये। तो लॉबी में इस प्रकार से तीन किचन होते हैं हमारे, 1 2 3। तो ये वाला जो किचन रहेगा हमारा इस वाले बेडरूम के लिए रहेगा, ये वाला किचन हमारा इस वाले बेडरूम के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा, जिसका साइज है 13 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 6 इंच। यह हमने वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है। सामने वाली वॉल पर टीवी यूनिट, ये हमने बेड डाला हुआ है। बेडरूम से अटैच ये हमने टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है। टॉयलेट का साइज है 7 फिट बाई 5 फिट। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ये यहाँ पर वेंटिलेशन दिया हुआ है। और रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने विंडो दिया हुआ है, जो कि पीछे ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस में जाने के लिए इस वाले रूम से हमने विंडो दिया हुआ है। यहाँ आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। और इस वाले बेडरूम के लिए ये किचन रहेगा। किचन का साइज रहेगा हमारा 6 फीट 1 इंच बाई 8 फीट 3 इंच। तो ये हमने गैस स्टोव रखा हुआ है, इस साइड सिंक। ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम।
जिसका साइज है 13 फिट 10 इंच बाई 12 फिट 6 इंच। इस साइड हमने बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है, सामने वाली वॉल पर टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमने एक डोर दिया हुआ है ओपन स्पेस में जाने के लिए, बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। यहाँ हमने विंडो दिया हुआ है, ये विंडो रहेगा बेडरूम से अटैच। ये हमने टॉयलेट दिया हुआ है जिसका साइज है 5 फिट बाई 7 फिट। ये हमारा रहेगा टॉयलेट सीट, इस साइड हमारा शावर और इस साइड हमारा वॉश बेसिन। और इसके इस वाले बेडरूम के लिए ये हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट पर किचन का वेंटिलेशन सामने होगा जिसका साइज है 6 फिट 1 इंच बाई 8 फिट 3 इंच। इस साइड हमने गैस स्टोव और इस साइड हमने सिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्लॉट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है जो कि तीन भाइयों के लिए सेपरेट सेपरेट पोर्शन है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।